नमस्कार, आरके क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु या हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई, बताइए। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1931 में, 1938 में, 1921 में या 1924 में? एक का आंसर बताइए क्या होगा। तो आप याद रखेंगे सिंधु या हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। किसने खोजी थी, तो दयाराम साहनी ने, दया राम साहनी, ठीक है। कब, तो 1921 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में दी गई है, डैश सूची में संबद्ध है, केंद्रीय में है, राज्य में है, विश्व में है या समवर्ती में है, बताइए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कौन से अनुसूची में है, बताइए। दो का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस समवर्ती सूची में है। डी इसका राइट आंसर होगा, आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट है। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थानों के दान में दी गई भूमि कहा जाता था, बेलन बगाई, ब्रह्मदेव, सालाभोग या पल्ली चंदम, बताइए क्या होगा। तीन का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पल्ली चंदम। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है राजकुमार खुरियम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया, बताइए। राजकुमार खुरियम शाहजहां कहलाए, जहांगीर कहलाए, बाबर कहलाए या अकबर कहलाए? चार का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। शाहजहां का नाम खुरियम है, राजकुमार खुरियम, आप इसको याद रखेंगे। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है डैश को सामान्य रूप से सैल, मलवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ या भूस्खलन? पांच का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन। डी इसका राइट आंसर होगा। अलिसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा, बताइए। सुल्ताना रजिया ने या बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? छः का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अकबर या शाहजहां? सात का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं जिन्हें हिमनद डैश कहा जाता है, हिमोड, डेल्टा, पठार या नाली, बताइए। आठ का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमोड। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, बताइए। 6 अक्टूबर, इसका दो ऑप्शन लगता नहीं है, 6 अक्टूबर 1764 को या 10 अक्टूबर 1764 को, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का। इसका आंसर नहीं है लेकिन 1764 को हुआ था, 1764 को। आइए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सियाजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, लखनऊ के, वाराणसी के, हैदराबाद के या बंगाल के? 10 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, केरल में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? बताइए 11 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बताइए किसके समय में? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड माउंटबेटन? 12 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस घटना ने गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? रोलट अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु? 13 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलट अधिनियम, जो हुआ था 1919 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है? बताइए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर या 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम, 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व या 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण? 14 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के सांची में किस वर्ष की गई थी? बताइए 1906 में, 1907 में, 1908 में या 1909 में? 6, 7, 8, 9। 15 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक समस्या और साधन में व्यतीत किया, कहाँ में किया था? बताइए वैशाली में, राजगृह में, लुम्बिनी में या गया में? बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया, जो बिहार में पड़ता है। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? बताइए नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में? 17 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी अफ्रीका में बहती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, ताजमहल के वास्तुकार आपको बताना है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, नॉर्मन फॉस्टर, हेनरी इरविन या उस्ताद घनी कुतुबुद्दीन? बताइए 18 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद अहमद लाहौरी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताजमहल का वास्तुकार। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? बताइए 50वां, 51वां, 52वां या 53वां? दल बदल बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संशोधन। नहीं, 52वां संशोधन जो हुआ था 1985 ईस्वी में, जो हुआ था 1985 ईस्वी में, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, ये कट गया है एक। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? नर्स दिवस आपको बताना है कि कब मनाया जाता है, 3 मई, 12 मई, 15 मई या 17 मई? 20 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर चाय के लिए, कॉफी के लिए, जूट के लिए, अखबारी कागज के लिए? 21 का आंसर बताइए। तो आप इसको याद रखेंगे कि नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। भारत में निम्नलिखित में से
पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण में आपको आना है। कौन होगा बताइए? हिमालय, विंध्यन, सतपुड़ा, नीलगिरी। सतपुड़ा, विंध्यन, हिमालय, नीलगिरी, या विंध्यन, सतपुड़ा, नीलगिरी और हिमालय, या नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्यन या हिमालय। 22 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय, विंध्यन, सतपुड़ा और नीलगिरी, जो उत्तर से दक्षिण तक सही कालक्रम है। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है? बताइए किस किस को जोड़ता है? भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत मालदीव या भारत इंडोनेशिया। 23 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत श्रीलंका। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से इसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी नदी किसमें बहती है? गोवा में, दमन और दीप में, पुदुचेरी में या अंडमान एवं निकोबार में। 24 का आंसर बताइए। तो आप इसको याद रखेंगे कि जुआरी नदी गोवा में बहती है। 20 का राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 होगा कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र आपको बताना है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होने जा रहा है। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। 26 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा भटनागर पुरस्कार। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 होगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को B.R. अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? बताइए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 32। 27 का आंसर बताइए। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, अनुच्छेद 32। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संसद में होते हैं? बताइए भारत के संसद कौन कौन से मिलकर बनते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या उपराष्ट्रपति, बताना है 28 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर के संविधान का निर्माण होता है, मतलब कि संसद का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें तीनों मिलेंगे, कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश संविधान संशोधन करती है? बताइए डैश संविधान में संशोधन करती है, संविधान में संशोधन कौन करती है? बताइए रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 29 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद करती है, संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को मंदिर में उपहार दी गई भूमि कहा जाता है? बताइए बेलन वगाई, ब्रह्मदेव, साला भोग या देवदान। बताइए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवदान। मंदिर में उपहार दी गई भूमि को देवदान कहा जाता है, सॉरी डी इसका राइट आंसर होगा, देवदान। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? बताइए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। 31 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। डी इसका राइट आंसर होगा।
आइए अगला देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? बताइए, 32 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। बी इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 होगा, डैश बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। बताइए, लद्दाख में, सतपुड़ा में, अरावली में, या विंध्याचल में? बताइए किसमें? 33 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। ए इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आपको बताना है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। 34 का आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? नहीं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, बद्रुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद रहमतुल्ला सयानी, सैयद मोहम्मद बहादुर, या अब्दुल कलाम आज़ाद? 35 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रुद्दीन तैयब जी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, उस समय किसका मतलब कि कार्यकाल था? तो लॉर्ड डफरिन का, डफरिन का शासनकाल था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और या अटर्नी जनरल? 36 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वित्त मंत्री होता है, या आयोजन मंत्री होता है? 37 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग ये कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 2015 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2015 में। ये नीति आयोग योजना आयोग का परिवर्तित नाम है, योजना आयोग का परिवर्तित नाम है, योजना आयोग। आप योजना आयोग लिख लेंगे। ये कब स्थापना हुआ था इसकी? तो 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब? 1950 में। और इसका परिवर्तित नाम किया गया नीति आयोग कब? 2015 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो प्राइम मिनिस्टर। या पूछे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भी प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा 38, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु निर्धारित की गई है? राज्यसभा के लिए बताना है आपको, 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, या 30 वर्ष? बताइए 38 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। 30 वर्ष न्यूनतम आयु कितना है राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए? तो 30 वर्ष है। डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सहकारी उपक्रम समिति, या याचिका समिति? 39 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकलन समिति। प्राकलन समिति 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितना होती है? तो 30 होती है। प्राकलन समिति में कितना सदस्य होता है? 30 सदस्य होता है। ये आप इसको याद रखेंगे। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? बताइए, आय नीति, राजकोषीय नीति, साख नीति, या श्रम नीति? 40 का आंसर आप बताएंगे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साख नीति। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, ये अगला चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 होगा, भारतीय राष्ट्रपति के किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? बताइए, महाभियोग लगाने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, या संसद में वक्तव्य न देने पर? 41 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग लगाने पर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। अगला है नौसेना, नौसेना सेना और वायुसेना का काम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध हैं। बताइए, तीनों सेनाओं का आपको पूछ रहा है। संघ सूची, राज्य सूची, विश्व सूची या संवर्ती सूची? ये विश्व सूची तो होता ही नहीं है। 42 का आप आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, डैश सबसे पहले तोमुर राजपूतों के काल में राजधानी बनी? दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता या तक्षशिला? 43 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। 44 के बताइए, प्राकृतिक संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन या अजैव संसाधन? 44 का आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संसाधन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हीरा कुंड बांध किस राज्य में है? बताइए, हीरा कुंड बांध किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में या उड़ीसा में? बताइए, हीरा कुंड बांध। 45 का आंसर अब बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा कुंड बांध उड़ीसा में स्थित हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो महानदी पर स्थित हैं। कौन नदी पर? तो महानदी पर, आप इसको याद रखेंगे, महानदी पर। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 होगा, सूबा सूबा किस देश की राजधानी है? बताइए, कंबोडिया की, मलेशिया की, मालदीव की या फिजी की? बताइए, 46 का आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबा फिजी की राजधानी है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी किनके द्वारा अपनाई गई थी? बताइए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा या प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा? 47 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग पिछले क्वेश्चन में बताए थे 1950 ईस्वी में इसके स्थापना हुई थी। आइए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 होगा, जनसंख्या में बिहार डैश है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का दूसरा बड़ा राज्य, भारत का तीसरा बड़ा राज्य या भारत का चौथा बड़ा राज्य? बताइए, 48 का आंसर क्या होगा? तो आप इसको याद रखेंगे, भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या में। ठीक है, फर्स्ट में कौन है जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो यूपी। कौन है? तो यूपी, आप इसको याद रखेंगे। आइए अगला चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? उद्देशिका प्रस्तावना को कहा जाता है, 2, 3, 4 या 5? 49 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर, बिहार की जनसंख्या डैश से अधिक है? बताइए, कितने करोड़ से अधिक है बिहार की जनसंख्या? 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ या 12 करोड़? 50 का आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है, 10.6 करोड़ है बिहार की जनसंख्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग।